नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना जंक्शन पर बनने वाले अंडरग्राउंड सबवे के बारे में। राजधानी पटना में जाम की समस्या आम है, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं। आए दिन पटना की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई मिल जाएगी। हालांकि राजधानी में बने पुल और ओवरब्रिज से शहर के अंदर जाम से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन शहर के अंदर अभी भी कार्य करने की ज़रूरत है। राजधानी पटना में पटना जंक्शन पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यहाँ पर जाम लगने के कई कारण हैं। एक तो हनुमान मंदिर यहाँ दर्शन के लिए लोग पहुँचते हैं, दूसरा शहर के दूसरे हिस्से के जाने के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ आसानी से उपलब्ध होती है, और तीसरा पटना जंक्शन जहाँ पर प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में यात्री पहुँचते हैं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पटना जंक्शन पर प्रस्तावित सबवे निर्माण के लिए डिज़ाइन तैयार किया गया है। बता दें कि पटना जंक्शन और जीपीओ गोलंबर के उत्तर पूर्व छोर के पास इस सबवे के प्रवेश व निकास द्वार का डिजाइन बनाया गया है। इसके लिए पटना जंक्शन मल्टी लेवल पार्किंग और बकरी बाजार के पास एंट्री और एग्जिट बनाया गया है। बता दें कि इसकी जिम्मेवारी पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास है, जो कि पटना गोलंबर के पास ट्रैफिक के जवाब यानी कि उसके जो दबाव वहाँ पर है उसको कम करने को करेगा। यह भी बताया गया है कि इस सबवे के निर्माण से पूरी जिम्मेदारी पुल विकास निगम को होगी। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि इस पुल के बन जाने से 2 साल का समय लगने वाला है। इस सबवे का निर्माण कार्य बकरी बाजार वाले हिस्से से शुरू भी कर दिया गया है। अगर हम इसके वर्तमान कार्य की बात कर लें तो इसके ऊपरी हिस्से में काम जारी है। ऐसे में अब आपके दिमाग में एक सवाल यह उठ रहा होगा कि आखिर यह सबवे कितना लंबा होगा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों की माने तो सबवे की कुल लंबाई 440 मीटर रहेगी। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि मॉनसून समाप्त होने के बाद से इस इलाके में अंडरग्राउंड सबवे निर्माण का काम शुरू होगा, यानी कि यहाँ पर खुदाई का कार्य शुरू किया जाएगा। कहा जा रहा है कि पटना जंक्शन मल्टी लेवल पार्किंग तक का 330 मीटर का भाग अंडरग्राउंड होगा। मल्टी लेवल पार्किंग से बकरी बाजार तक 110 मीटर सतह पर काम जारी है। इस सब में यात्रियों को विशेष तरह की सुविधा मिलेगी। जैसे ही आप अगर सबवे से शहर की ओर जाने वाले जो हिस्से होंगे वहाँ पर आप आसानी से आ जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सबवे में 2 लेन होगी। 1 लेन में ट्रेवलेटर की सुविधा होगी, यानी कि एक्सेलेटर के तहत जो है आप आसानी से सीढ़ी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं, जबकि दूसरी लेन में अस्थाई बनाया जाएगा। यहाँ पे आप जो है पैदल जा सकते हैं, सीढ़ियों के माध्यम से जा सकते हैं। तो 2 तरीके की सुविधा जो है यहाँ पे दी गई है। कहा जा रहा है कि इस लेन के निर्माण में कुल 68 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही गई है। इस सबवे में आपको AC, पावर बैंक, ड्रेनेज, अग्निशमक, वेंटिलेटर, रैप की सुविधा मिलने वाली है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस सबवे के बन जाने के बाद से पूरे पटना जंक्शन का लुक ही बदल जाएगा, यानी कि आप अगर लंबे समय के बाद पटना जंक्शन पहुँचे हैं तो आपको वो पटना जंक्शन नहीं दिखेगा जो आप कभी उसे देखे थे, या फिर उस पटना जंक्शन को आप छोड़ कर गए थे। इस सबवे को मल्टी लेवल ट्रांजिट हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसको लेकर बुद्ध स्मृति पार्क के पास मल्टी लेवल पार्किंग सबवे खुला रहेगा, जो कि पटना जंक्शन के सबवे से जुड़ा होगा। इस तरह से पटना जंक्शन के भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। बता दें कि इस पूरी परियोजना को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पूरा किया जाना है, जिसके लिए बकरी बाजार में 361 करोड़ रुपये 5 मंजिला मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बनाया जा रहा है। एक तरह से कहने की राजधानी पटना में के अंदर लगने वाले जाम की समस्या से तो सरकार निजात करने की बात कही रही है, साथ ही साथ पटना जंक्शन के पास जो लगने वाला जो जाम है, जो तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सबवे का निर्माण किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। बिहार और बिहार से जुड़े भी और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।